प्रिय शिक्षकों, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा में आपका स्वागत है। मैं मधुर भाटिया, पाठ्यक्रम 501, भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य की पाठ्यक्रम समन्वयक हूँ। प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों के शिक्षकों के रूप में उनके समग्र विकास एवं अधिगम के लिए हमारे कंधों पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। बच्चों में उनकी सर्वोत्तम योग्यता विकसित करने में मदद करने के लिए हमें आवश्यक ज्ञान और कौशल होने की आवश्यकता है। इसी के साथ आइए पाठ्यक्रम 501 भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य पर नजर डालते हैं। यह पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एवं सार्वभौमिक स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा का समग्र रूप प्रस्तुत करता है। इसमें प्रारंभिक शिक्षा के ऐतिहासिक विकास को भी शामिल किया गया है। यह पाठ्यक्रम आपको प्रारंभिक शिक्षा की प्रकृति और विकास को समझने में भी मदद करेगा। किसी भी पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए उसके अधिगम के उद्देश्यों को जानना आवश्यक होता है। तो आइए इस पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को जानते हैं। इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के बाद आप प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए विविध पहलों जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आदि की समझ विकसित कर पाएंगे। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रारंभिक शिक्षा के समक्ष आ रहे मुद्दों और चुनौतियों पर भी अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। इस पाठ्यक्रम में 4 क्रेडिट हैं जो कि 120 अध्ययन घंटों के समकक्ष हैं। इस पाठ्यक्रम में 3 खंड हैं। पहला खंड है भारत में प्रारंभिक शिक्षा एक सिंहावलोकन, खंड 2 है समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा पहला भाग, समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा भाग 2 तीसरा खंड है। आइए खंड 1 के बारे में जानते हैं। इस खंड में आप प्राचीन काल से स्वतंत्रता पूर्व अवधि तक की भारतीय शिक्षा प्रणाली के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। यह खंड स्वतंत्रता पूर्व और स्वतंत्रता प्राप्ति की अवधि में आयोगों और समितियों की महत्वपूर्ण संस्तुतियों को प्रस्तुत करता है। इस खंड में आप प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता तथा संगठनात्मक संरचना के विषय में भी पढ़ेंगे। इसी के अनुसार यह खंड 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। इकाई 1 भारतीय शिक्षा प्रणाली पहला भाग, इकाई 2 भारतीय शिक्षा प्रणाली दूसरा भाग तथा शिक्षा एक मौलिक अधिकार इकाई 3 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की संगठनात्मक संरचना इस खंड की 4th इकाई है। अब पाठ्यक्रम के दूसरे खंड के विषय में जानते हैं। दूसरा खंड है समकालीन संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा पहला भाग, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लागू की गई रणनीतियों और किए गए प्रवर्तनों की चर्चा करता है। यह प्रारंभिक शिक्षा के सूक्ष्म और विस्तृत स्तरों पर योजना निर्माण और प्रबंधन पर भी प्रकाश डालता है। पिछली इकाइयों के ही क्रम में आप इस खंड में देखेंगे कि यहाँ 3 इकाइयां हैं। इकाई 5 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यनीतियां पहला भाग, इकाई 6 प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए कार्यनीतियां दूसरा भाग तथा इकाई 7 सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का आयोजन तथा प्रबंधन है। अब हम आते हैं खंड 3 जिसका शीर्षक समसामयिक संदर्भ में भारत में प्रारंभिक शिक्षा भाग 2 है। यह खंड आपको प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा के मॉडलों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2009 तथा प्रारंभिक शिक्षा के प्राथमिक और उच्चतर प्राथमिक उपचरण से संबंधित शिक्षा मुद्दों और विषयों का अध्ययन करने में मदद करता है। इसमें एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू पर भी चर्चा की गई है जो है एक विचारशील कार्यकर्ता के रूप में शिक्षक। इस खंड में शिक्षकों को सशक्त करने की भी चर्चा की गई है ताकि वे सुविधा वंचित बच्चों की शिक्षा के लिए तैयारी कर सकें और स्कूलों में बच्चों के अधिकारों की रक्षा कर सकें। इस खंड में कुछ और भी महत्वपूर्ण भाग हैं जैसे विकासशील एवं विकसित देशों में प्रारंभिक शिक्षा के लिए पहल और सार्वभौमिकरण में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। इस खंड में 3 इकाइयां हैं। इकाई 8 प्रारंभिक शिक्षा के लिए अध्यापक तैयार करना, इकाई 9 सुविधा वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा तथा इकाई 10 प्रारंभिक शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। आइए संक्षिप्त में जानते हैं। इस पाठ्यक्रम में 3 खंड तथा 10 इकाइयां हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।